brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. Shukr hai parindon ki zaat nahi hoti. Shukr hai parindon ki zaat nahi hoti. Khuda ne aawaz nahi di, unki aapas mein baat nahi hoti. Shukr hai parindon ki zaat nahi hoti. Khuda ne aawaz nahi di, unki aapas mein baat nahi hoti. Nahi to unme bhi Hindu Muslim bat gaye hote. Aur aadhe maar diye jaate, aadhe Hindustan chhod ke ud gaye hote. आधे मार दिए जाते आधे हिंदुस्तान छोड़ के उड़ गए होते और जो बचते यहाँ उनको यही समझाया जाता पाकिस्तानी हो तुम कहकर रोज सताया जाता अरे मारा जाता पीटा जाता खून तक बहाया जाता जिंदा जला दिए जाते राजनीति के नाम पर या धर्म के नाम पर धमकाया जाता परिंदों की जात नहीं होती खुदा ने जुबान नहीं दी आपस में उनकी बात नहीं होती और तुम्हें रहने दे रहे हैं मुल्क में हमारे तुम्हें रहने दे रहे हैं मुल्क में हमारे उनकी खुद की मिट्टी पर यह एहसान जताया जाता और जो आवाज़ उठाते वो इस जुल्म के खिलाफ तो मुसलमान हो तुम कहकर पाकिस्तानी बताया जाता और जो आवाज़ उठाते वो इस जुल्म के खिलाफ तो मुसलमान हो तुम कहकर पाकिस्तानी बताया जाता अरे मार दिया जाता कभी गौ रक्षा के नाम पर कभी फर्जी एनकाउंटर दिखाया जाता और तुम टोपी लगाते हो या लंबी दाढ़ी है तुम्हारे कहकर आरोप आतंकवाद का लगाया जाता शुक्र है परिंदों की जात नहीं होती खुदा ने जुबान नहीं दी आपस में बात नहीं होती और राष्ट्रगान कितना भी गाते हैं राष्ट्रगान कितना भी गाते चाहे नारे भारत माता के सुबह शाम लगाते पर हक की बातों को उनकी हर बार दबाया जाता और चूंकि वो एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं इस बात का भेदभाव साथ उनके खूब निभाया जाता और उनके सीने पर बेशक तिरंगा होता और उनके सीने पर बेशक तिरंगा होता फिर भी पर काट दिए जाते उनके और उनको गद्दार बताया जाता और दुनिया को क्या पता हकीकत उनकी क्या होती वो मासूम होते और उनको बस मुजरिम बताया जाता शुक्र है परिंदों की जात नहीं होती शुक्र है परिंदों की जात नहीं होती खुदा ने ज़ुबान नहीं दी और आपस में उनकी बात नहीं होती नहीं तो वो भी हिंदू और मुस्लिम में बट गए होते और आधे मार दिए जाते आधे हिंदुस्तान छोड़ के उड़ गए होते हैं